सिंगरौली के विंद नगर गौभक्त होने का ढिंडोरा पीटने वाली भाजपा सरकार के राज में बेसहारा गौवंश का खून सड़कों पर बह रहा है। गौशाला में उनके लिए जहां चारे का इंतजाम नहीं है, वहीं भूख प्यास से बेदम इन बेजवानों के साथ सड़क पर जिंदगी मौत का खतरा खेल रहा है। शुक्रवार 3 अगस्त 2018 को सुबह 5 बजे ग्रीन हार्ट पुलिस कॉलोनी मोड़ पर पिकअप के जोरदार टक्कर से एक गाय की मौत हो गई व 2 गंभीर रूप से घायल हो गयी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 गाय को धक्का लगते ही एक गाय धड़ाम से सड़क पर गिरी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 गाय गंभीर हालत में 15 घंटे तक तड़पती रही। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। एक गाय खत्म भी हो गई। सुबह 5 बजे से दुर्घटनाग्रस्त हुई है गाय, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक नहीं। 11:30 बजे बहुत कहने के बाद, बहुत एक्शन लेने के बाद, हम लोगों ने काफी तरीके के टॉर्चर किए, तब जाके विधायक सांसद हर जगह खून हो गया। तब जाकर के अभी किसी तरीके से केवल इतना हो पाया कि हाँ चलो अब इनको ले जा करके और अब हॉस्पिटलाइज करेंगे, बस सिर्फ इतना। बाकी कोई कहीं बस यही जवाब आ रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, तो अभी नहीं हो पाएगा, चुनाव है तो ऐसा है। बगल में पुलिस कॉलोनी है, लेकिन कोई सहयोग नहीं दिया गया। ये भैया लोग इन लोग को बुलाया गया है। क्या नाम है आपका? मैं लोकेश पांडे, आम आदमी पार्टी से सह विधानसभा प्रभारी सिंगरौली। अच्छा। अभी हमको जैसे 11 बजे सूचना मिली भैया भूपेंद्र सिंह के माध्यम से जी, जैसे ही हम लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद देखा कि एक गाय की मृत्यु हो चुकी है और 2 अभी स्पॉट में है, बहुत गंभीर सुबह की है। हम लोग तत्काल थाने गए और वहाँ से जो है थाना आरक्षक जी से बात करके और एक उनके माध्यम से हम लोगों को पिकअप दी गई, जिसमें अभी हम लोग ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए भेजा जाएगा। और जबकि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि थाने के इतने करीब होने के बाद भी और कोई सहयोग नहीं मिला। और ये बीजेपी वाले जो झंडा लगाते हैं, गौ सेना प्रमुख, आरएसएस जो भी बनते हैं,